नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि की होगी पूजा। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश की अहम बैठक। इस जिले के अधिकारी और मुखिया को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। इन 13 शहरों से 5G की हो रही शुरुआत। सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर से भारत को दिलाया रोड सेफ्टी का खिताब। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BEL ने इतने रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL हैदराबाद ने विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के कुल मिलाकर 141 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में BE, BTEC या BSc विद 55% मार्क्स के साथ पास होने के साथ ही 6 माह से 2 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bailindia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज ही के दिन हुआ था देश की 2 महान विभूतियों का जन्म। 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में एक खास महत्व है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस की तरह ही 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा हासिल है। यह दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए और इस दिन को गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है और उनके कार्यों और विचारों ने आज़ाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी और विनम्रता के लोग कायल थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया जय जवान जय किसान का उनका नारा आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक और सार्थक है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रिचा सोनी की। रिचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्होंने शरारत से डेब्यू किया था। वह कलर्स टीवी के डेली सोप भाग्य विधाता में बिंदिया की भूमिका के लिए भी जानी जाती हैं। वह सरोज खान के साथ नचले वे सीजन 2, बदलते रिश्तों की दास्तान, जात की जुगनी और सिया के राम जैसे शो में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू जैसी लघु फिल्में भी की हैं और उन्होंने दूसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। रिचा सोनी एक बंगाली हैं जिनका जन्म और पालन पोषण बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में हुआ, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह मुंबई चली गई। आज महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि की होगी पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्रि इस बार 26 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 तक चलने वाली है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। इस क्रम में आज 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन का नवरात्रि में विशेष महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता का यह स्वरूप भयंकर माना जाता है। इस स्वरूप में माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं, साथ ही इनके गले में विद्युत की माला है और इनके हाथों में खड़ग और काटा है। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव, DGP समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में पिछले दिनों सामने आए बड़े आपराधिक मामलों पर चर्चा होने के साथ साथ दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इन सभी पहलुओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा का खास ख्याल रखते हुए को विधि व्यवस्था को बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि एक दिन पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से बालूघाट पर हजारों राउंड का गोली चली और 4 लोगों की जान चली गई है, लग रहा है कि बालू माफिया ही सरकार को चला रही है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन को संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया है और इसी उद्देश्य से डॉल्फिन के संरक्षण हेतु 1991 में कहलगांव से सुल्तानगंज के 60 किलोमीटर लंबे गंगा क्षेत्र को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पर मुख्य रूप से यह अभ्यारण्य कहलगांव स्थित राजघाट पर ही स्थित है।
जलगांव स्थित विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य में आप लहरों के संग क्रीड़ाएं करती डॉल्फिन मछलियां तथा नदी के तट से उसके मध्य स्थित पाषाण के टापू पर बने मंदिर तक नौका विहार मन के तरंगों को भी अटखेलियां प्रदान करती हैं। घाट पर भी सभी सुविधाओं की मौजूद है। इन 13 शहरों से 5G की हो रही शुरुआत। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ चुनिंदा जगहों पर 5G इंटरनेट सेवा की सौगात दी। देश के सभी महानगरों समेत 13 शहरों में 5G सेवा का लोग आनंद ले पाएंगे। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल हैं। लेकिन इसके लिए आपका फोन 5G होना जरूरी है। साथ ही आपको बताते चले कि भारत मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में वैश्विक स्तर पर 139 देशों में 118वें स्थान पर है, जो वैश्विक औसत का 31.01 Mbps के आधे से भी कम है। ऐसे में विश्व स्तर पर पहला पोजीशन हासिल करने के लिए भारत की कोशिश मील का पत्थर साबित होगा। इस जिले के अधिकारियों और मुखिया को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। मुजफ्फरपुर से चुने गए अधिकारी और मुखिया को दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर यानी आज सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता मिशन के तहत लोहिया स्वच्छता मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बेहतर कार्य करने, डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण, ग्रामीण क्षेत्रों में एक मिसाल कायम करने को लेकर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करेंगी। सम्मान प्राप्तकर्ता की लिस्ट में मुजफ्फरपुर के DDC आशुतोष द्विवेदी, सकरा के BDO आनंद मोहन और बाघ नगरी पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के DDC ने बताया कि जिले के सकरा प्रखंड क्षेत्र के बाघ नगरी गांव का चयन किया गया था। हेमंत शरण द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छांव जल्द होगी रिलीज। पारिवारिक भावनाओं और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती भागलपुर निवासी हेमंत शरण द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म धूप छांव रिलीज होने के लिए तैयार है और बहुत जल्द ही इस फिल्म की रिलीज की डेट की भी घोषणा कर दी जाएगी। कहानी संजय जैन की है। फिल्म के लेखक हेमंत शरण और अमित सरकार हैं, जबकि इस फिल्म को खुद हेमंत शरण ने निर्देशित किया है। बॉलीवुड के दिग्गज गायक कैलाश खेर, जावेद अली, अन्वेषा, भूमि त्रिवेदी, सलमान अली और अरुण देव यादव ने इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी है। इस फिल्म के निर्माता सचित जैन हैं। बतौर निर्माता उनकी यह पहली फिल्म है। वहीं इस फिल्म में किरदार निभाते हुए अभिनेता राहुल देव, अतुल श्रीवास्तव, समीक्षा भटनागर, अहम शर्मा जैसे प्रमुख कलाकार दिखेंगे। बता दें कि हेमंत भागलपुर के निवासी हैं और मुंबई में फिल्म डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। बिहार से लौट रहा है मानसून। बिहार से मानसून अब वापस लौट रहा है। ऐसी उम्मीद है कि 6 अक्टूबर के बाद से राज्य में बारिश की गतिविधियां न के बराबर हो जाएंगी। ऐसा संभावना है कि दीपावली छठ पर्व के बीच राज्य में गुलाबी ठंड शुरू हो जाएगी। इस बार मानसून समय पर आया और विदाई भी निर्धारित समय पर होने का पूर्वानुमान है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र बनने के कारण पूर्वी, दक्षिणी और तराई क्षेत्र में कुछ बारिश की संभावना है, इसलिए मानसून के जाने के लिए औपचारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। सुशील मोदी ने कहा, 7 बार पलट चुके हैं नीतीश, 8वीं बार क्यों नहीं। बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पूर्व डिप्टी CM सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने अगले साल 2023 में तेजस्वी को CM बनाए जाने की खबरों के मामले में कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव में शह और मात का खेल चल रहा है। लालू यादव 2025 से पहले बेटे तेजस्वी को CM बनना देखना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार 2024 में सेट होने से पहले CM पद छोड़ने के मूड में नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 2 मिनट में पलट जाते हैं, वह 7 बार पलट चुके हैं तो 8वीं बार क्यों नहीं पलट सकते। यही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी कहा कि राजद को पता है कि 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनना तय है। त्योहारी सीजन में शराब खपाने की कोशिश में 4 गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन शराब के खेप बरामद किए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन के बीच शराब की खेप बिहार में आने की गति और तेज हो गई है। शराब माफिया त्योहारों में इसे खपाने की कोशिश में है। इस बीच बीते दिन राजधानी पटना में भी एक ट्रक को गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास थाना क्षेत्र के कर्मली चक स्थित NH-30 पर एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें करीब निवासी कार्टन में 768 लीटर विदेशी शराब मिले हैं। इस दौरान पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना सिटी ASP राजीव रंजन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सीमेंट के बोरे के नीचे विदेशी शराब के कार्टन मिले हैं।
सैनिटरी पैड पर सवाल उठाने वाली छात्रा को मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा। बिहार में सैनिटरी पैड का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब पान हेल्थ केयर कंपनी ने छात्रा को पूरे साल भर एवर्टीन के नीम और कुसुम सैनिटरी पैड मुफ्त में मुहैया कराने के साथ ही छात्रा के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का जिम्मा लिया है। बता दें कि इसी सप्ताह पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान IAS अधिकारी हरजोत कौर ने एक छात्रा द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा था कि आज पैड फ्री दिया जाएगा, कल कपड़े और अंत में परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना, सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है। इसके बाद पान हेल्थ केयर कंपनी के CEO चिराग पान ने न्यूज एजेंसी ANI से छात्रा की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि हम छात्रा को पूरे साल भर एवर्टीन के नीम और कुसुम सैनिटरी पैड मुफ्त में मुहैया करेंगे, साथ ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। अमित शाह के बिहार दौरे में हुआ बदलाव। एक बार फिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के बारे में कहा गया था कि वो 11 अक्टूबर को पटना आएंगे और फिर उनका सिताब दियारा और अमनौर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। मीडिया में चल रही खबर के अनुसार अमित शाह अब अमनौर में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, वहीं वे अब पटना भी नहीं आएंगे। हालांकि अमित शाह बनारस से सिताब दियारा आएंगे। मालूम हो कि अमित शाह बीते हफ्ते 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल पहुंचे थे। महज 17 दिन के बाद अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बिहार दौरे पर फिर से आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और थरूर के बीच मुकाबला। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए सियासत तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार KN त्रिपाठी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर सामने आए थे, जिसमें से एक नामांकन झारखंड कांग्रेस के नेता KN त्रिपाठी का खारिज कर दिया गया है। KN त्रिपाठी का नामांकन हस्ताक्षर मेल नहीं खाने की वजह से खारिज कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में होगा। नाम वापसी के लिए 8 अक्टूबर तक का समय है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। कोई नाम वापस नहीं लेता है तो मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। शिवानंद तिवारी के सुशील मोदी को दो टूक। बिहार में सियासी उठापटक शुरू है। पक्ष विपक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर जमकर हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी बेचैन आत्मा है, अगर रोज कुछ नहीं बोले तो इनको अपच की बीमारी हो जाती है। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि तेजस्वी के सामने तो उड़ान के लिए सारा आकाश है। सुशील मोदी भूल जा रहे हैं कि वे अब अतीत हैं तो तेजस्वी भविष्य। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह तेजस्वी पर निर्भर करता है कि वो अपनी लगन और मेहनत से अपनी क्षमता का कितना विस्तार कर पाते हैं। प्रशांत किशोर आज से शुरू करने जा रहे हैं 3000 किलोमीटर की पदयात्रा। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती के इस अवसर पर जनसुराज के अध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। बिहार में जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर आज से राज्य में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रशांत किशोर ने आने वाले 10 वर्षों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ जनसुराज अभियान के तहत इस पदयात्रा से जुड़ने की अपील की है। बताया गया है कि प्रशांत किशोर पटना 500 गाड़ियों के काफिले के साथ चंपारण के लिए रवाना होंगे। इसके साथ प्रशांत किशोर चंपारण के रास्ते दर्जन भर छोटी छोटी सभाएं करते हुए गुजरेंगे। चिराग गुजरात में ठोकेंगे ताल। बिहार के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अब बिहार से बाहर आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। चिराग पासवान ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह तय है कि गुजरात में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे या गठबंधन के साथ लड़ेंगे यह बाद में तय होगा। मालूम हो कि चिराग कुछ दिनों से गुजरात दौरे पर, वहीं बिहार में मोकामा और गोपालगंज में सहित 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चिराग पासवान इस बार उम्मीदवार उतार सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। बिहार के प्रमुख गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी प्रजापति मिश्र का जन्म 1898 में हुआ। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा का जन्म 1924 में हुआ। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 1942 में हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच का जन्म 1974 में हुआ। प्रवीण उदासी का जन्म
1876 में हुआ। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हंगपन दादा का जन्म 1979 में हुआ। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का निधन 1906 में हुआ। भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का निधन 1964 में हुआ। भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राजनेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का निधन 1975 में हुआ। और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जयंती के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन लगाने पर मिलने वाली राशि के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा दिए जा रहे 5,000 की राशि के बारे में। दरअसल एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा 5,000 प्रदान किए जा रहे हैं। पीआईबी ने इस मैसेज के बारे में कहा है कि यह मैसेज का दावा फर्जी है, कृपया इस फर्जी मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचे। अपने भगवान राम के सामने दंडवत हुए श्रद्धालु। अरुण गोविल एक ऐसा चेहरा जिन्हें लोग एक कलाकार कम और भगवान राम के रूप में ज़्यादा मानते हैं। रामानंद सागर के लेखन और निर्देशन में बनी 90 के दशक में बनी धारावाहिक संपूर्ण रामायण के राम का किरदार कर चुके अरुण गोविल की छवि कुछ इस प्रकार बन चुकी है कि लोग उनमें भगवान राम की परिकल्पना उन्हीं के रूप में करने लग जाते हैं। ऐसा ही दृश्य हाल ही में देखने को मिला जब अरुण गोविल शांभाजी नगर की रामलीला में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। अरुण गोविल जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके चाहने वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच अरुण गोविल के स्वागत में एक महिला आई थी जो कि अरुण गोविल को देख भावुक हो गई। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अरुण गोविल के पैर छूकर दंडवत प्रणाम कर रही थी। अमित शाह को बिहार आने के लिए नीतीश कुमार के पासपोर्ट की जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर सियासी हलचल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इस बीच पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के गृह मंत्री को नीतीश कुमार के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बिहार भारत का एक अंग है और भारत के गृह मंत्री को भारत के किसी भी कोने में आने जाने का अधिकार है। रविशंकर ने कहा कि अमित शाह जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने सभी को बारी बारी से छला है, किस तरह से धोखा दिया है और किस तरह से बिहार की जनता के जनादेश का अनादर किया है। शराब पीकर पकड़े गए तो आपके घर के दीवार पर लगेगी चेतावनी का पोस्टर। बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन फिर भी लोग बार बार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ना तो पीने से बाज आते हैं और ना ही इसके अवैध धंधे से। हालांकि इसको लेकर मद्य निषेध विभाग आए दिन अहम और ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। इस बीच विभागीय अधिकारी के मुताबिक पहली बार शराब पीने के मामले में पकड़े गए तो अभियुक्त को शपथ पत्र व 3,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, इसके बाद बिहार के तमाम एक्साइज इंस्पेक्टर को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी रिकॉर्ड देखें कि कौन कौन से लोग पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर छूटे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर वैसे तमाम लोगों के घर बाहर पोस्टर चिपकाएं, पोस्टर के जरिए न सिर्फ उन्हें चेतावनी दें बल्कि आसपास के लोगों को भी यह जानकारी दें कि वह व्यक्ति शराब पीने के जुर्म में पकड़ा जा चुका है। बिहार में मिले कोविड-19 के 50 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 35 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 204 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मधुबनी, नालंदा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी और सिवान में एक कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। गया और वैशाली में 2, वहीं पटना में 20 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 92,460 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 39 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर से भारत को दिलाया रोड सेफ्टी का खिताब। इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के फाइनल मैच में श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रनों से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया है। शनिवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नमन ओझा के शतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 18 ओवर 5 गेंद में सभी विकेट खोकर सिर्फ 162 रन ही बना सकी। बता दें कि दोनों टीमें पहले संस्करण के फाइनल में भी अब आमने सामने हुई थी जहां इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से शिकस्त देकर पहला खिताब अपने नाम किया था।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जयंत कुमार, रणधीर कुमार, रंजीत सिंह, राकेश शर्मा, नितेश कुमार यादव, पवन कुमार, नरेश राम, कविता कुमारी, बबलू कुमार, अंशु कुमार, खुशी कुमारी, आर्यन कृत, नुनू कुमार और संजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश के ऐसे महापुरुष जिनकी बातों से आप बेहद प्रभावित हैं, उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।